सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो? बढ़िया, सभी सभी अच्छे, बेहतर और बेहतरीन हो गए। बेसिकली है क्या, इंडियन एयरफोर्स का इस बार का अग्निवीर का फेज सेकंड का रिक्रूटमेंट का एग्जाम डेट ऑलरेडी फिक्स है एंड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचे हुआ। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाया। बेसिकली मैंने इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम 3 से 4 बार बेसिकली क्रैक किए हैं, ठीक है, जिसमें 3 बार मेडिकल एग्जाम कंप्लीट हुआ, लास्ट टाइम मैं देने नहीं गया था, एग्जाम निकला तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है। अगर कोई भी मतलब काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाया तो मैंने कहा बता देता हूँ, और किसी को अगर डाउट हो तो डेफिनेटली आप चैनल के फर्स्ट सेकंड वीडियो फ्रंट पेज पे जाके देख सकते हो, रेड कार्ड मेरे वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, वो आपका फॉर्म फिलिंग से लेके लास्ट ज्वाइनिंग तक हो जाता है। जो ज्वाइनिंग पे मेडिकल एग्जाम होता है, फाइनल मेडिकल एग्जाम, अपने से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स पे फाइनल मेडिकल एग्जाम भी होता है। वो क्या होता है, जैसे आपका अब तो ज्वाइनिंग का कुछ प्रोसेस ही बदल गया। पहले क्या होता था कि फेज सेकंड हम जैसे सेंटर पे सब कैंडिडेट को बुला लिया जाता था, ठीक है, सेंटर पे बुलाया जाता था। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स हमें खुद जैसे ट्रेन के थ्रू 300 लड़के जैसे 3SC कानपुर पे आए, ठीक है, 3SC कानपुर पे आए, ठीक है, या 2SC न्यू दिल्ली पे पहुंचे, उधर से सेंटर पे लेके हमें बेलगामी के लिए साथ में जाते थे। लास्ट जब से कोविड आया तब से क्या सिस्टम हो गया, तब से ऐसा क्या हुआ है कि हमें रिपोर्ट करना होता है ASC पे, जहां पे आपका फेज सेकंड एग्जाम होता है। ASC मतलब एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, वहां पे हमारा फेज सेकंड एग्जाम होता है, और हम वो चीज अगर मतलब फेज सेकंड एग्जाम से हमारा ज्वाइनिंग के लिए हमें वहीं पे बुलाया जाता है, ठीक है। उस दिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसके बाद हमें कह दिया जाता है कि आपके पास 3 दिन का समय होगा और आपको वहां पे पहुंचना होगा। कहां पे पहुंचना होगा, बेलगावी कर्नाटक, ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग स्टार्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर से, जैसे कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का अवधि नलिया पे होता है, एक्स ग्रुप का जितने कैंडिडेट टेक्निकल ब्रांच के कैंडिडेट हो जाते हैं उन सभी का मतलब जो ट्रेनिंग होता है वो आपका बैंगलोर पे होता है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट आ रहा हो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं, एग्जाम के लिए मात्र बचे 1 तारीख, मतलब 1 महीना। और आप सभी देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अभी मैं भी एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, हाल ही मैंने भी SSC CGL का एग्जाम दिया है, तभी वीडियोस नहीं है और बहुत अच्छा एग्जाम गया। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता देता हूँ कि एयरफोर्स एक ऐसा एग्जाम है, एयरफोर्स के बाद ये अपना दूसरा था, कि एयरफोर्स बहुत ईजी है इन सभी एग्जाम, SSC और बैंक, रेलवे, मैंने बैंक के भी एग्जाम दिए हैं भाई, मतलब एक तुलना आपको बता कर करके बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो जो भी कैंडिडेट की 4 साल के लिए जॉब करेंगे नहीं करेंगे, भाई जो भी मिल रहा है ना अभी कर लो, बेहतर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप सभी का उतना सीरियस ना मन हो तो आप फिर SSC GD का फिल कर रखा हो, आपको और भी कुछ करना, बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो, रेलवे, 2019 में रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलिंग आया था, 2022 चल रहा है दिसंबर, 6-7 दिन और बचे हैं, आपका भी फेज फर्स्ट का रिजल्ट आना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, 5 साल लग जाएंगे। एयरफोर्स का क्या है, अभी आपका अगला जो अटेम्प्ट है ना, अप्रैल तक नेक्स्ट इनटेक आ जाएगा, मतलब कि इस इनटेक का जो ज्वाइनिंग है फाइनल रिजल्ट आपका जून में आना है, 10 जून को आपका एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाएगा, मतलब इसी साल के 6वें महीने तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आप 25% कैंडिडेट में रुकने वाले हो, बाकी सब आप सभी जानते हो कैसे क्या होगा, ओके। नॉर्मलाइजेशन इस बार ये नया फंड आया तो पेपर के बेसिस पे हुआ, जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है, जिस शिफ्ट का पेपर इजी आता है, वो सारी की सारी चीजें। एयरफोर्स ने इस बार यहाँ पे ये भी हमें अपडेट किया कि फेज सेकंड एग्जाम कैसे क्या होगा, ये देख सकते हो, ठीक है, उसके डेमो वीडियोज भी हमें प्रोवाइड कराया गया। ये इस बार थोड़ा सा अलग यूनिट टाइप का है, अदर इस फेज सेकंड एग्जाम के लिए कैंडिडेट थोड़ा कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट फेज सेकंड एग्जाम में रनिंग का टाइमिंग कम कर दिया गया। चलो, तो मेन जो टॉपिक है आपके लिए 1 महीने का टाइम बचा हुआ, कैसे तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अगर चाहो तो ऑफिशियल ऑनलाइन वाला मॉक टेस्ट लगा सकते हो, यहाँ पे इनका खुद का ऑफिशियल मॉक टेस्ट अवेलेबल है। चलो मैं अभी वो चीज आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिलेबस डाउनलोड फॉर्म भी नहीं करना अपने को, ये चीज ये है, हम इस पेज पे आ गए। आपका कोई FAQ आ रहा हो, मतलब कि कोई भी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पे एयरफोर्स ने प्रोवाइड कर रखा है, बट आप उससे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, डाउट क्लियर हो जाएगा किसी भी टाइप का होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और रागा का, ये चारों के चारों आपके सेक्शन होंगे, चारों के चारों आपके सेक्शन होंगे। और जो देखो इंग्लिश का सेक्शन होगा दोनों में कॉमन होगा, आप अगर वाई ग्रुप का पेपर दोगे या फिर एक्स ग्रुप का पेपर दोगे। अब वाई ग्रुप एक्स ग्रुप क्या होगा बहुतों को यही नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने वाई ग्रुप एक्स ग्रुप की जगह क्या लिख रखा है कि साइंस और विदाउट साइंस, ठीक है। तो मान लेना साइंस वाले एक्स ग्रुप के हो गए और विदाउट साइंस वाई ग्रुप के कैंडिडेट हो गया, आप दोनों लोगों का इंग्लिश कॉमन आने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी हिंदी भी देता चलो, आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मैं अभी 2 चीजें सीख गया हूं कि आपको पता ये होना चाहिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इंग्लिश में वो कैप्स और रागा में GS, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पे,
अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा पद पाना है, ठीक है, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्शन तो फिर किसी भी पोस्ट पे हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छे नंबर लाना है तो आपको इंग्लिश में वोकैब्स अच्छी करनी पड़ेंगी। एयरफोर्स के पेपर में बता देता हूँ तो 6 से 7 वोकैब्स आती हैं, एक एंटोनिम, एक साइनोनिम, एक सब्स्टिट्यूशन, एक इडियम एंड फ्रेजेस, एक इधर मीनिंग का आ जाता है, और कभी कभी आपको जो पैसेज होता है उसमें आपका इधर मीनिंग का आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मीनिंग का अपने पास खूब अच्छा खासा भंडार है, और आपको ऐसे याद करा देंगे ट्रिक से कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप वीडियोस देखते जाओगे और याद हो जाएंगे। तो इंग्लिश की बात करें, बाकी डायरेक्ट पैसे 80-85% सबके सभी से ही करते हैं। PQRS का भी अपने पास सिस्टमेटिक वैसे ट्रिक्स है, इंग्लिश का कुछ अलग ही सिस्टम, अभी तक नहीं कराया, अगर आप बोलोगे तो इंग्लिश का जरूर करा देंगे। बात आ जाती है मैथमेटिक्स की, ठीक है, इंग्लिश के अगर चैप्टर्स में आपको ये चारों के चारों मॉक है यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या हुआ भाई, ओके ओके नो इट्स फाइन। हाँ, इंग्लिश का जैसे देखना चाहो सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो मैं आपको दोनों की दोनों चीजें ऑफिशियल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ इस तरह का आपका पेपर आता है, देख लो यहाँ पे, जैसे कि मतलब इस टाइप का आप यहाँ से देख सकते हो कि इस टाइप का ये पैसेज के क्वेश्चन मोस्टली सभी कैंडिडेट से ही कर देते हैं, और जिनको इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश के लिए सेक्शनल टाइम मिलता है आपको 20 मिनट, ठीक है, तो 20 मिनट में आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। यहाँ पे हमसे जैसे पूछा इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी है, ऑकर रिसीव एकोमोडेट से लिखी हुई है, सेपरेट SEPARETE होता है, सेपरेट होता है, ठीक है, जेस्ट पूछ लिया, पैसन हो जाता है जैसे कि चोटी टाइप में, ठीक है, एम्बेलिस हमसे पूछ लिया, बिगाड़ना होता है इसका मतलब डिसफिगर हो गया, ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन वेट टर्न होता है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है। तो पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आता, वो कैप्स अगर आप अच्छे से करोगे तो इजिली आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ये चीज करा दूंगा। अब ये देखो यहाँ पे कितना इजी वाला रूल दे दिया है, ठीक है, वो एज वेल एज वाला टुगेदर विद एंड नॉट लाइक अनलाइक वो वाला रूल यहाँ पे, ये लो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट 16 एंड 18 नंबर पे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इस तरह से होता है आपका इंग्लिश, और 1920 कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करता है, 1920 डायरेक्ट इनडायरेक्ट 80-85% कैंडिडेट राइट करते हैं जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, वो 25 तो 25 किसी पे भी नहीं आने वाले, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डाउनलोड करके आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। फर्स्ट नंबर इंग्लिश का होगा, आपके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि आप इंग्लिश पे कैसे स्कोर कर सकते हो, लेकिन इतना इनफ है कि आपको शॉर्ट टाइम में बता दूं कि वही चीजें पढ़नी है, पक्का PQRS क्वेश्चन आएगा तो आपको PQRS पढ़ना है, वो कैप्स आप जितनी ज्यादा कर सकते हो, वो चाहे ऑलमोस्ट 100-200-500 एडीएम करो, 500 सब्स्टिट्यूशन करो, 500 एंटोनिम करो, 500 मतलब कि एंटोनिम, 500 साइनोनिम, मिस स्पेल डॉट 500 कर लो भाई, ये स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। बहुत लड़के सोचते हैं राघव हम अच्छा कर लेंगे, मैथ्स हमारा अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जीएस ना पढ़े, जीएस बिल्कुल इजी आती है, लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो भाई 7-8 क्वेश्चन आते हैं, जिनको नहीं पता 7-8 क्वेश्चन राघव में जीएस कहते हैं, और 7-8 क्वेश्चन जीएस मतलब जी के जीएस, ठीक है, और 7-8 क्वेश्चन ही आपके मैथ्स के आता है, बाकी 15 नंबर का फिक्स सबका रीजनिंग आता है, रीजनिंग नॉन वर्बल आता है जो थोड़ा सा टफ ही होता है, इतना इजी नहीं होता, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है, टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी आप अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर पाते हो। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स क्या होता है, सिलेबस मतलब यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है, जो आपके चैप्टर सबके एग्जाम में आएंगे, ये चीज भी आपको पता होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे मैं आपको 2-4-5 चैप्टर्स बता सकता हूँ, जैसे कि जो जिनसे क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बन के आ जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूँ जिनसे क्वेश्चन मतलब बनी के आ जाते हैं तो फिक्स है, जैसे कि डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का आपको कभी भी सारणी नहीं सॉल्व करने को देता, सीधा आपको पूछ लेता है कि दो भुजा मतलब कि दो आपके अवयव बराबर हैं, ठीक है, पंक्तियां बराबर हैं तो क्या मान आएगा, ऐसे करके सिंपल सिंपल से, और उसके बाद आपको सीधा पूछ लेता है इंटीग्रेशन वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूछ देता है कि sin 75 का मान बताओ। तो अगर ये चीजें अगर आपको याद होंगी, मतलब 10 क्वेश्चन आपको ऐसे होने चाहिए मैथ सेक्शन में जो आप देखते ही कर पाओ, तभी सिलेक्शन होता है। मैं यहाँ पर बहुत इजी है क्या एयरफोर्स पर सिलेक्शन लेना, इजी है, इस वजह से इजी है अदर एग्जाम की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे आपको 50% पे सिलेक्शन मिल जाएगा, 50% और कंपटीशन इस बार स्पेशली बहुत कम है, केवल 3.5 लाख लड़कों ने फॉर्म फिल किया है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिला करके, जबकि लास्ट टाइम केवल बॉयज का भी केवल था 7.5 लाख, ठीक है। सेम टू सेम मैथमेटिक्स हो गया, सेम टू सेम फिजिक्स हो गया, मैथ को छोड़कर के आप इन तीनों में जो भी बोलोगे, अर्थमेटिक मैथ हो गया या फिर आपका रीजनिंग हो गया या फिर आपका जीएस हो गया या इंग्लिश फिजिक्स हो गया, वो सब अच्छे से करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स का अगर सिलेबस बात कर लेता है, फिजिक्स में जैसे मैं एग्जांपल लूसेंट देता हूँ, मैंने भी लूसेंट बिल्कुल रट डाला था अपने वाले टाइम पे, तो मैं आपको बताता हूँ रटने के लिए भाई उसमें 32 चैप्टर है, जबकि आते लूसेंट की बात करो उसमें 32 चैप्टर है, जबकि आते तो आपका 25 क्वेश्चन है, तो बोलोगे हर एक चैप्टर से भी एक क्वेश्चन नहीं बनता, जबकि ऑफिशियल पेपर ये वाला भी आपको दिखाता हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर रुकेगा, ये इसी पेपर में आपको जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे,
ठीक है, उसे तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, वैसे फिजिक्स पे भी है लेकिन फिर भी, तो यहाँ पे क्या होता है कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो उसी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, दूसरा एक दूसरा नंबर क्वेश्चन था, एक आठवा नंबर क्वेश्चन था, एक और उसका डायमेंशन पूछा है, मुझे याद हो गया पेपर बिल्कुल सेम टू सेम किएगा। एक यहाँ पे उसी का आई थिंक डायमेंशन पूछ रहा था जी का, ये देखो पूछा है डायमेंशन, उस चैप्टर से तीन क्वेश्चन आ गया। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका एक अलग ही फायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरा लास्ट और यहाँ पे रागा सेक्शन, तो आपको पढ़ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वही है जो सिलेबस में आगे एक्स्ट्रा के चक्कर में पढ़ोगे, इंग्लिश में पता लगा क्लोज टेस्ट में पढ़ो, क्लोज तो आता ही नहीं कभी, पैसेज की जरूर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पैसेज की प्रैक्टिस करोगे तो जो लड़का आपका 5 मिनट में मतलब पैसेज को देगा सॉल्व कर पाएगा, आप उसका 3 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से जीके इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। हाँ, और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, एक करंट अफेयर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो करंट अफेयर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अब गरबा हमसे पूछा है कि क्या है कहाँ है, ठीक है, तो मतलब प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का है, तो ये यहाँ पे गरबा देखो मैं आपको बताता हूँ, गरबा किस प्रसिद्ध का लोक नृत्य है मतलब कहाँ का है, ठीक है, तो गुजरात दे रखे आंसर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ पे इसके आंसर भी दे रखे हैं, जैसे मृत्युदंड क्षमादंड का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास, किसे नहीं पता होगा। ये एक अच्छी बात होती है कि डांस वगैरह यहाँ पे इजी आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते। आप में से किसी ने एसएससी के एग्जाम्स दिए होंगे या फिर मॉक लगाए होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरह के डांस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो अर्थमेटिक मैथ के 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम इतने होते हैं, वो भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। रीजनिंग जरूर थोड़ा सा अच्छा खासा आता है, रीजनिंग इतना ईजी नहीं होता है, जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है वो अच्छा कर पाते हैं, इस तरह से इसका आता है। तो आपको बस वही चीजें पढ़नी है जो आपको एग्जाम के लिए, ये मैंने एक शॉर्ट में आपको एक रिवाइव टेक में कराया कि इस तरह से आपका कुछ सिलेबस आएगा और आपको इस तरह से कुछ तैयारी करनी है। दूसरी बात, जिनकी थोड़ी सी भी तैयारी अच्छी हो वो मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट उनका 40-50% तो स्कोर हो ही रहा हो। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की उनके लिए अभी मॉक कोई नहीं है, वो तो मॉक 15 दिन पहले लगाए तो बेहतर है, लेकिन जिनकी भी तैयारी थोड़ी अच्छी है या पहले एग्जाम दे चुके हैं वो मॉक लगाना जरूर स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए परीक्षा एप्लीकेशन आप सभी को रिकमेंड कर देता हूँ, एग्जाम रिलेवेंट है। लास्ट टाइम इसमें क्या थोड़ा सा टेस्ट कठिन थे, पेपर में आ गए हार्ड क्वेश्चन, अब कैंडिडेट बोलते हैं भैया पेपर में हार्ड थे, तो यहाँ पे जो लगा के गया तो उसे काफी फायदा हुआ था। ठीक है, एग्जाम रिलेवेंट की बात करो, मॉक लगाने का बस एक ही फायदा होता है, सिंपल सी बात बता दे। देखो टेस्ट सेक्शन पे आ गया, मैंने कुछ टेस्ट देखने के लिए बाय किया था अग्निवीर वाले, ठीक है, ये 15 है, 20 हो जाएंगे फर्स्ट नंबर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 15 है, 20 टेस्ट हो जाएंगे, मैंने बोला कि सर 15 है 20 करा दीजिए। दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि ऑल इन मॉक लगाने से रैंकिंग देख पाओगे, आपसे कितने लड़के आगे आ रहे हैं, आपसे कितने लड़के पीछे आ रहे हैं, एवरीथिंग वहाँ पे दिखाई देता है, उनका फुल एनालिसिस करोगे, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे तो देखोगे कब क्या कैसी चीजें होती है, और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपके दिमाग में टच करता है। ठीक है, तो जैसे ये वाले टेस्ट आपको बाई करने, तो मैं यहाँ पे अनलॉक सीरीज पे क्लिक करता हूँ, अनलॉक नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं ऑनलाइन डी फिल कर देता हूँ, ONLINUD50, स्क्रीनशॉट निकालो, अप्लाई कोड पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही अप्लाई किया तो देखो इसका प्राइस कितना गया, 175 रुपीज। अब ये मॉक यहाँ पे आपके ओपन हो जाएंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये अग्निवीर जैसे मैंने किए बाई, तो अब जैसे यहाँ पे ये कुछ टेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 टेस्ट ओपन हो चुके हैं, धीरे धीरे करके सारे के सारे ओपन हो रहे हैं, एग्जाम से पहले मतलब 10 दिन पहले तक सब ओपन हो जाते हैं, फ्री डेमो टेस्ट सबके लिए अवेलेबल है। ये टेस्ट आके लगाओ, हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, थोड़ा नीचे बढ़े, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया, शुरू हो गया, एग्रीमेंट समझौता हो गया, सेम टू सेम पेपर की तरह अपने पास 20 मिनट होंगे, 20 मिनट होंगे, एग्रीमेंट समझौता हमें यहाँ पे बताना है उसका क्या एंटोनिम, डिस्कॉर्ड, टर्बुलेंस, फ्रेगमेंटेशन और डिसलोकेशन हो गया, ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रेवल एक एक्सप्रेस होता है, ठीक है, रेवल मतलब सीक्रेट का बता देना, ठीक है, हाइड इसका एंटोनिम हो जाता है, वो हमसे पूछे, ऐसे सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं। ओके, तो रुकिएगा कैंडिडेट, नाउ इट्स फाइन, तो इस तरह से हम ये चीजें देख सकते हैं। बाकी कोई आपका डाउट क्वेरी है तो कमेंट में आप जरूर आज करिएगा, वो सारी सारी चीजें क्लियर की जाएंगे। पॉजिटिव डिग्री पूछ दिया, पॉजिटिव सेंस कौन सा दे रहा है वो चीज हमसे पूछ दी है, ऐसे करके आपका लेथार्जी क्या, मिस स्पेल्ट यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो ये लेथार्जी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अब ऐसे सोचो कि 20 मिनट में हम पेपर जल्दी 5 मिनट में करके सबमिट कर दें तो नहीं होगा, क्योंकि पेपर आप दे रहे हो यहाँ पे पेपर की तरह ही आपको पेपर देने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे भी, तो आप इस तरह से आके मॉक भी दे सकते हो। ठीक है, फ्री वाला है, इसमें तो कुछ आपके रुपए भी नहीं लग रहे, ये वाला आके पहले अटेम्प्ट करो, अच्छा स्कोर है तब, जैसे 49 पोएम को क्या कहा जाता है, वन लाइनर मतलब वन वर्ड हो गया, यहाँ पे हमें पैसिव वाइज दे रखा है, अच्छा रिमूव टू का नियम कभी कभी आ जाता है,
ठीक है, इधर आपको बताना है यहाँ पे इधर क्या होगा। इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता, और इसी में आपको यहाँ पे 35 to 40 नंबर स्कोर करना होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। स्पेसिफिक इनमें किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी ज्यादा जानना हो तो जरूर बताइएगा, वो चीज भी क्लियर कर दी जाएगी। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।